देख भाई ये आजकल दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे दोस्तों एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के लिए दोबारा बताओ कहां कहां देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को देखते हैं, वो किसके लिए यूज कर सकते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए। फिर जनरल रिजर्व पीएनएल, और कोई फ्री रिजर्व हो तो शॉर्टेज पड़े तो क्या इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर। फिर मेरे दोस्तों किसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, उसकी शॉर्टेज पड़ जाए तो बैंक से लोन ले लेंगे। सो मेरे दोस्तों क्या करते हैं फिर क्वेश्चन में, कुछ और या जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद क्या और बनाते हैं, कुछ और या बैलेंस शीट। हालांकि ये क्वेश्चन बैलेंस शीट तक बनाने का है, लेकिन मैं जर्नल बना के छोड़ूंगा, बैलेंस शीट तुम बना लाओगे, लेकिन इसमें वर्किंग बहुत स्मार्ट आएगा, लगभग सारी चीजें आएंगी। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के बाद क्या करना जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए, बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू करना हो तो सीक्वेंस ऑफ यूजिंग यूटिलाइजिंग रिजर्व एंड सरप्लस का क्या सीक्वेंस है, पहला कहां से निकालेंगे, बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो उससे, फिर सीआरआर से, फिर पी एंड एल से, फिर जनरल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व नहीं बचे कोई। फिर आ जाओ जरा क्वेश्चन पे आओ, एज पर एग्रीमेंट ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 1999 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बड़े ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले ऊपर देख के बताओ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 1 लाख की। अरे कितना प्रीमियम देना है उन्हें, क्या कहूं उस प्रीमियम को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब बताओ कितना पैसा चाहिए, फंड्स में भी और कैश में ही। पहले किसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, फंड्स की। पहले फंड्स की अवेलेबिलिटी चेक करूं या एडजस्टमेंट पढ़ूं, एडजस्टमेंट में जैसे जैसा कहेगा वैसे वैसा करेंगे। ध्यान से, इट वॉज ऑल्सो डिसाइड टू यूटिलाइज द प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम एक्सटेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू इज 50,000। अच्छा क्या बेच दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कितने की फेस वैल्यू वाली बेची। अच्छा बैलेंस शीट में देखो कितने की फेस वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट थी, क्या मेरे भाई 1 लाख वाली फेस वैल्यू थी, 1 लाख वैल्यू फेस वाली इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू वाली हमने कितने में खरीदी होगी। देख बहन बैलेंस शीट में देख पूरा पर 80,000 में, 1 लाख की पार वैल्यू वाली हमने कितने में खरीदी है, 80। हमारी कॉस्ट कितनी है, 80,000। अच्छा एडजस्टमेंट में देखो कितने की फेस वैल्यू वाली बेची, पूरी या आधी वाली, पूरी बेची या आधी, आधी बेची ना हमने। दोबारा ध्यान से, 1 लाख की फेस वैल्यू थी मेरे पास सारी इन्वेस्टमेंट की, कहता है 50,000 की फेस वैल्यू वाली बेची, तो पूरी बेची या आधी, आधी बेची, रिकॉग्नाइज इट पक्का। वो जो आधी बेची उसकी कीमत मेरे लिए बैलेंस शीट के अंदर जो आउटर कॉलम में है वो बताओ कितनी होगी, 50,000 या 40,000। तो 40,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेची, क्या ये रिकॉग्नाइज हो पा रहा है। उसे घुमा फिरा के बोला, बोला बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिख दिया 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 80,000 में खरीद रखी है, बैलेंस शीट में तो कॉस्ट आएगी ना। फिर नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया 50,000 वाली बेच दी, अरे 50,000 वाली कितने में बेची। आगे कहता है एंड इश्यू किया इक्विटी शेयर, वो बाद में देखना इन्वेस्टमेंट कितने में बेची, 5% लॉस में बेची, कितने में बेची, 5% है ना भैया। अच्छा बताओ कितने वाली इन्वेस्टमेंट बेची, पर कितने की फेस वैल्यू नहीं बोला, कितने की कॉस्ट वाली बेची, 40,000 वाली, हमने 40 की खरीद रखी थी। अच्छा लॉस कितना हुआ, तो ये 5% लॉस फेस वैल्यू पे होगा या 40,000 पे होगा, आई थॉट सो यू आर इन कॉलेज, बोलो लॉस 50,000 पे होगा कि 40,000 पे। क्यों, बारहवीं में तो सारे लॉस सारे डिस्काउंट सारे प्रीमियम पार वैल्यू पे होते थे, आज क्यों कॉस्ट पे हुआ। हाँ पार वैल्यू ना, कहाँ मार्केट प्राइस, पार वैल्यू होता है फेस वैल्यू का मतलब। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, डिस्काउंट के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, 5% डिस्काउंट लिखा, किसी पे भी हो सकता है, ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, ऑन पार वैल्यू भी हो सकता है, उसे मेंशन करना चाहिए था, नहीं किया। सो मैं अपनी अजम्पशन लेता हूं, कॉस्ट लॉस से बिका
50,000 से मतलब ही नहीं, मैंने कितने में खरीद रखी थी, 40,000, तो 40 से कम में बिकी होगी, ये समझ में आता है, तो 40 पे लॉस लगेगा, क्या ये समझ में आ रहा है? मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ उसके लॉजिक्स डेवलप करके बता रहा हूँ तुम्हें, क्या ये समझ में आया? तो उसने कहा 5% लॉस पे बिकी, तो 40 से तो पक्का कम में बिकी, 40 के ऊपर लॉस होगा, इसका मतलब 40,000 का 5% 2,000 कितने में बिकी, 38,000 में, जर्नल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करूं, 50 से, हाँ बैलेंस शीट के इनर में क्या लिखा उससे क्या लेना देना, कॉस्ट तो 40,000 वाली थी ना, कितने में बेच दिया, 2,000 का घाटा हो गया, इससे फंड्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, P&L कम हो जाएगा, कम टू द नेक्स्ट, आफ्टर रिडीमिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, बोनस शेयर की एंट्री अभी देखेंगे या बाद में, अच्छा फिर कहता है कैसे दिए बोनस शेयर ऑफ 100 rupees ईच फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड, हर 5 शेयरों को एक शेयर बोनस का देंगे, तो मेरी बात बात की होगी, फिर कहता है अब ये बड़ी सुंदर बात आ रही है, अच्छा जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने करते हैं, ध्यान से सुने, तब जरूरी है सारे लोग आके पैसा ले जाएंगे, कुछ खो भी सकते हैं, कुछ खो सकते हैं, कोई कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए नहीं आए हो, तो अनट्रेसेबल पर्सन रह सकते हैं ना कुछ, कहता है सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट ट्रेसेबल, कितने खो गए, इन 100 के पैसे का क्या करूं, हाँ नहीं इनके पैसे का क्या रखूं या फायदा मान लूं, फायदा नहीं मान सकते, जिस दिन पैदा हो गया आ जाएंगे देने पड़ेंगे, आ जाओ जी फिर आगे चले, assuming that the all formality regarding to the redemption and issue of bonus share are compiled with you are requested to show the necessary journal entry bas khatam and balance sheet kare acha ab sabse pehle batao sari adjustment maine pehle pad li pehle batao kis ki availability dekho funds ki balance sheet pe dekh ke batao sabse pehle kahan se dekhoge security premium mein kitna paisa pada kitna paisa ye balance sheet mein pada tha फिर आगे चलो अगला बोलो P&L लिख लूं कितने हजार अच्छा अभी ऊपर वाली एडजस्टमेंट से P&L 2,000 घट जाएगा ना फिर अगला बोलो हाउ मच अब शुरू करता हूं कोई पूछो अगर शॉर्टेज हो जाए तो उसने मुझे एडजस्टमेंट में लिख दिया था इक्विटी इश्यू करना इक्विटी इश्यू करना इक्विटी एक 100 वाला था दोस्तों कितने वाला था कितने परसेंट प्रीमियम पर इश्यू हो रहा था तो 100 वाला 120 में बेचना अब बड़े ध्यान से सुनना पहले पैसा कैपिटल के लिए निकालूं या प्रीमियम के लिए प्रीमियम के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए कहां से निकालूं 10,000 चाहिए कहां से निकालूं सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना मिला चिल्ला के बोले इसके बाद मैं कहां से निकालता P&L से निकालता लेकिन बताओ क्या पैसा उम्मीद होने की पैसा आने की उम्मीद नहीं है या है 100 वाला 120 में थैंक यू प्रीमियम के मेरे को कितने पैसे चाहिए थे 10,000 चाहिए था कितना मिल गया कितना और चाहिए अगर आगे आने की कोई उम्मीद नहीं होती तो मैं कहां से निकालता लेकिन आगे आने की उम्मीद नहीं है या है मानू कम मिलेंगे या मिल ही जाएंगे भगवान करेगा कम मिले ठीक है कम मिले तो हमें चेक करना पड़ेगा अभी हम मान के चल रहे हैं पूरे मिल जाएंगे ठीक है आगे चलते हैं इसीलिए बच्चे हुए 5,000 अभी निकालू या बाद में आ ही जाएंगे शेयर इश्यू करेंगे जितने की शॉर्टेज ऑफ फंड्स बढ़ेगी फिर उससे लेके आएंगे अच्छा आप बताओ कितने और चाहिए P&L से पहले जनरल रिजर्व से निकालूं या P&L से कितने मिल गए फिर 50 और 38 कितने के हो गए 88 के पूरे आए या शॉर्टेज है कितने की शॉर्टेज है चिल्ला के बोलो अब मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना है इसको ये शॉर्टेज है तो मैं ये कहां से लाऊंगा इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा इक्विटी शेयर कितने इश्यू करूं ये निकालना है कितने वाला चिल्ला के अच्छा 120 क्यों नहीं लिखवाते क्योंकि ये प्रीमियम के पैसे के लिए नहीं है कैपिटल का पैसा है और ये 100 से ही पूरा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम इसके लिए यूज नहीं कर सकता अभी ध्यान से देखते रहे ना 12,000 तो कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 120 ना इस 120 शेयर से शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी 12,000 कैपिटल की स्केयरसिटी तो खत्म देखता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने 5,000 निकाल लिए थे माना था 5,000 बाद में पूरे मिल जाएंगे जांच से कितने मिले सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने मिले दोस्तों पूरे मिले या कम मेरे दोस्तों ये गड़बड़ हो गया मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम में डिजायर कितना था रिक्वायरमेंट कितने की थी
कितने की सिक्योरिटी प्रीमियम की शॉर्टेज है? शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना भैया? 2600। अगर अभी फंड्स पूरा है या कम है? कम है तो बताओ कोई और शेयर नहीं इशू करने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, फिर मैं शॉर्टेज। अभी यहां पे किसकी शॉर्टेज थी? 12000 की, किसी और की है? शेयर कैपिटल की। मेरे दोस्तों मैं 100 से मल्टीप्लाई किया। यहां किसकी शॉर्टेज है? सिक्योरिटी प्रीमियम। दिमाग लगाने वाली बात है, मैं नंबर ऑफ शेयर फिर इशू करूंगा। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2600 आ जाए? सोच के लॉजिक से बताना। बहुत साल पहले मुझे भी किसी ने नहीं बताया, मैं खुद ही लॉजिक लगाया। आप जरूर लगा लेंगे। 12 तो है ही नहीं, 20 बोल ले भाई, या 120 बोल ले। बोलो जी। एक भाई ने अपनी पिस्टल चला दी, आपके पास गोली है, एक मौका है आपके पास। एक भाई ने और अपनी पिस्टल खाली कर दी, और बोलो, सब बोलो। बोलो बोलो, आप बोलो। 20 खंडेल वाल देखता ही रहेगा भाई। 100 से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पैसा किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। पता नहीं मुझे, 100 से या तो 12 से करेंगे, 120 से पता नहीं क्या करेंगे, 20 से 120 से सोचते हैं। ये बहन कुछ बोल ना। अच्छा आप बताओ, ये पैसे की शॉर्टेज किसकी है? क्या ये 20 रुपए पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ। क्या ये 100 रुपए पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल हाँ। ये 100 रुपए फालतू हो जाएंगे, मैं पीएम और जनरल रिजर्व आगे पीछे करके निकाल लूंगा, है ना? तो मेरे दोस्तों यहाँ कितने पार्टिसिपेट करेंगे? ध्यान से सुन लेना, ये बड़ा बड़ा टेक्निकल बात है, लोगों को नहीं समझ में आता। लिखे हुए से तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, सारी किताबों में लिखा हुआ है, पल्ले ही नहीं पड़ता। पहले 100 से क्यों, बाद में 120 से क्यों? सो पहले 100 से क्यों ये समझ में आ गया, बाद में 120 से क्यों, क्या समझ में आ गया? कितने नंबर ऑफ शेयर उठाओ, अभी देखना फिर एक पापा आएगा। कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी से डिवाइड करके बताओ। अब बड़े ध्यान से सुनना, फिर दोबारा झंझट आया। मल्टीपल ऑफ 100 आ जाए, वैसे ही झंझट आ रहा है। बताओ 21.66 डेसिमल में शेयर इश्यू कर सकते हैं? अब बताओ 21 करूं कि ज्यादा? 21 कभी मत करना। क्यों? फंड्स कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाए एक रुपया भी आप नहीं कर सकते। अब बताओ कम करेंगे या ज्यादा? मेरे दोस्तों ज्यादा करना, गलती से भी कम मत कर लेना। क्लियर है? कितने भैया? अच्छा 22 शेयर करेंगे तो फंड थोड़ा कम हो गया या थोड़ा ज्यादा हो गया? जब भी थोड़े ज्यादा करेंगे फंड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड यहीं पे देखें एक बार और, एक बार और। पक्का ना? पक्का ना? अब मेरे को टोटल ये बता दो, कितने शेयर बेच रहे हो? 22 हो और 120 ही हो, कितने हो गए टोटल शेयर्स? हो गए 142। 100 वाला 20 रुपए प्रीमियम पे जर्नल, बोलो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उठाओ कैलकुलेटर, 14200 इसके आ गए। करो ना, टोटल बोलो। 142 इंटू 120 17000। आस्क एनीवन। अब मैं जनरल फंड्स की करूं या दोबारा से देखूंगा? अरे क्यों देख रहे हो दोबारा? सो मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए फंड्स अगर मैं कुछ नहीं देखूं ऐसे ही जनरल कर दूं, तो मेरे जो ज्यादा शेयर है वो शेयर की फॉर्म में रह जाएंगे फंड्स, वो जबकि बचने चाहिए किस फॉर्म में? जनरल रिजर्व, सारा यूज हो जाएगा। जबकि फंड्स फालतू हो तो दोस्तों रिजर्व में बचना चाहिए। सो मेरे दोस्तों दोबारा देखता हूं, अब देखता हूं दोबारा से इक्विटी कितने के आए। 14200 × 100 है ना भैया? 14200 हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम की हालात क्या है भैया? यहां पर कितना प्रीमियम आया? 2840, और पहले कितना का था? 5000 का। क्या ये आ गया? फिर मेरे दोस्तों पीएनएल में कितना पड़ा था? 38000। जर्नलिज्म में कितना पड़ा था? 50000। अब पहले बताओ मुझे, दोबारा से यूटिलाइज करना शुरू कर रहा हूं, ये अवेलेबल है अभी कितने हो गए?
और दो, दो ये 12 शेयर और बिक गए 22, इसका भी प्रीमियम जोड़ ले मेरे भाई, 2400 वो आ गया ना इसमें सारा जुड़ के आ गया ना, 2400 वो भी और 22 शेयरों का और भी सब जुड़ जड़ा के आ गया ना। अच्छा यूटिलाइज शुरू करता हूं, पहले किसका पैसा निकालूं, किसी और का है, प्रीमियम का, प्रीमियम का निकालना पहले। चलो जी प्रीमियम का निकालो, कहां से निकालूं, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना मिला मेरे भाई, ध्यान से चल, 7840 कितना मिला, 10,000 चाहिए, मिला या नहीं मिला, ये प्रीमियम का मिला, बाकी कहां से निकाल लूं, पीएनएल से, कितना बैलेंस बच गया, 2160 ना, यहां 10,000 हो गए पूरे पक्का। अब मेरे पास कितना पैसा चाहिए, कैपिटल के लिए पैसा निकालना हो तो पहले पीएनएल, पहले जनरल रिजर्व या पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने के इश्यू हो चुके, फिर मेरे दोस्तों बताओ पीएनएल में कितना बचा था, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी जल्दी, 38,000 माइनस 2160। मेरे कई मित्र इस बैच में कैलकुलेटर चलाने में इतने कंजूस हैं कि वो चलाते ही नहीं है, 35,000, अरे गुड, फिर अब बताओ जोड़ जोड़ के, 35,840 प्लस 14,700 उसमें से माइनस करो 1,00,000, माइनस 1,00,000, हाँ 49,900, इतना पैसा निकालो तो पूरा 1,00,000 हो जाएगा ना, पैसा बच गया ना मेरा जनरल रिजर्व में, आ गया, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है भैया, ध्यान से चलना। अब जनरल एंट्री बोलते चलो, पहले प्रीमियम का पैसा निकालो, कहां कहां से निकाला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,840, और बोलो जी पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2160 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना निकाल लिया, पक्का पक्का। अब पी एंड एल से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का पैसा निकालो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 35,840, जनरल रिजर्व से निकालो दोस्तों कितना था, 49,960, वो पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, बार बैठ के नोट करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं जी।